देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज ये रबड़ी की रेसिपी बनाई है और इसे किस तरह से बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ठंडी ठंडी रबड़ी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी होती है और जो बच्चे या बड़े दूध पीने में बहुत ही वो देते हैं, तो उन्हें ये इस तरह से रबड़ी बनाकर खिलाई जाए तो वह सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फुल क्रीम बीटा का आधी किलो दूध लिया है और मैं इसी में रबड़ी बनाऊंगी। चलिए अब इस दूध को खोल के मैंने ये कढ़ाई रख दी है, अब इसमें डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये दूध में उबाल आ चुका है और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इसे बीच बीच में मलाई पड़ जाए तो उसे इस तरह से इकट्ठा करते रहेंगे एक साइड को। देखिए इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से रबड़ी बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। और फिर इस मलाई को इसमें ही इस तरह से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स, इसी में उबालते हुए दूध में मैं थोड़ा सामान ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी इलायची को दरदरा करके और केसर की कुछ पत्तियों को इसमें डाल रही हूँ, जिससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और देखिए दूध भी हमारा गाढ़ा हुआ आया है। और मैंने इसको लो पे कर दिया है हीटिंग को। और देखिए साइड में ये जो मलाई आ रही है, इसे ऐसे इस तरह से हटा हटा के इसमें चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये अमूल स्प्रे मेथ डालूंगी, इससे हमारी रबड़ी और भी अच्छी बनेगी। इस तरह के मिल्क को बॉईल करके और रबड़ी बना के इससे हम आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। लेकिन इस रबड़ी इस तरह से बना के खाओगे तो बहुत ही अच्छी होगी। देखिए अब आप देख रहे होंगे मिल्क का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें हल्का हल्का गाढ़ापन भी आ गया है। अभी हम इसे और 10 मिनट तक बॉयल होने के लिए रखे रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, झटपट मेरी रबड़ी की रेसिपी बनके तैयार है और देखिए कितनी अच्छी बनी है। देखिए अब मैं इसे किसी बर्तन में खला के फ्रिज होने के लिए रख दूँ, क्योंकि रबड़ी को ठंडा खाया जाए तो वो और भी अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये रबड़ी की रेसिपी बनके तैयार है। आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ही बनाकर जरूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, इसे मैंने फ्रिज होने के लिए रख दिया था और ये ठंडी हो गई है। तो चलिए आप भी खाइए और आप भी बनाइए। और धन्यवाद।